नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस। नीट काउंसलिंग पर एक बड़ा अपडेट जो सामने निकल कर आ रहा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बड़ा अपडेट आज ही निकल कर सामने आया है। बता दें कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग आज यानी 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन पेपर लीक के चलते इसे अभी स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि छात्र पेपर को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं विपक्ष भी छात्रों का समर्थन कर रहा है। राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर उठाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट पेपर को रद्द कर परीक्षा दोबारा करवाने की मांग की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग यानी नीट यूजी को स्थगित कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नई तारीखों की घोषणा करेगा। यह स्थगन तब हुआ है जब उच्चतम न्यायालय ने आज से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग में देरी करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह कोई खुली और बंद प्रक्रिया नहीं है। आयोजन के दौरान से ही नीट यूजी परीक्षा विवादों में घिरी हुई है। बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के बाद एनटीए को 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पुनः आयोजित कराने का निर्देश दिया गया। तब न्यायालय ने दोहराया था कि नीट यूजी काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा। पुनः परीक्षा में 813 उम्मीदवार शामिल हुए। नीट परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौरे से गुजरना था। नीट यूजी काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई यानी आज से होनी थी, लेकिन इसे अब स्थगित कर दिया गया है। काउंसलिंग की नई तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा। बता दें कि छात्र और विपक्ष नीट यूजी की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक पेपर एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लीक हुआ है। यहां तक पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। अब ऐसे में मांग उठ रही है कि नीट यूजी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार है कि पेपर रद्द करवाने के पक्ष में नहीं दिख रही है। अब ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी ओर विवादों में घिरी नीट यूजी परीक्षा मामले शुक्रवार को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करना तर्कसंगत कदम नहीं होगा, इससे लाखों ईमानदार छात्र गंभीर खतरे में आ जाएंगे। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि कई जगहों पर नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं। यहां तक पता चला है कि छात्रों को एक दिन पहले पर मुहैया करवा दिए गए थे। अब ऐसे में क्या ईमानदार छात्रों के साथ बेईमानी नहीं होगी? यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।